पबजी मोबाइल बीटा अपडेट 0.20.0 वर्जन पर आने के बजाय 0.19.0 से सीधा 1.0.0 वर्जन के साथ आया है। ये नया एरेंगल 2.0 मैप लेकर आया है। मैप पहले के मुकाबले कुछ बदलावों के साथ आता है। दिखने में पहले से ज्यादा आकर्षक लगता है और इसमें कई एलिमेंट बदले गए हैं। Asus ने ROG Zephyrus लाइन का G14 लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, जिसकी कीमत 80,000 से लेकर 1,60,000 रुपए तक के बीच है। इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें एनिमे मैट्रिक्स दिया गया है। ये 14 इंच स्क्रीन के लिए एक पावरफुल लैपटॉप है। शाओमी ने भारत में मी बियर ट्रिमर 1C को 999 रुपए में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, मी बियर ट्रिमर 1C को स्टेनलेस स्टील सेल्फ शार्प ब्लेड के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इस ट्रिमर में 20 लेंथ सेटिंग्स दिए हैं। ये ट्रिमर लगभग 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। साथ ही इसका बैटरी बैकअप टाइम 60 मिनट का है। एप्पल ने 2020 के iMac के लाइनअप्स अनाउंस कर दिए हैं। जी हाँ, 27 इंच के iMac में आपको हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जैसे कि आपको डिस्प्ले में 5K रेटिना डिस्प्ले मिलेगा। तो वहीं प्रोसेसर में आपको इंटेल कोर i9 का 10th जनरेशन मिलेगा। रैम की बात करें तो आपको अप टू 128GB DDR4 मिलेगा। तो वहीं स्टोरेज की बात करें तो अप टू 8TB SSD आपको मिलेगा। GPU की बात करें तो आपको अप टू Radeon Pro 5700 XT मिलेगा। Xiaomi को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, दरअसल सरकार ने हाल ही में चीन के 47 एप्स पर पाबंदी लगाई थी, जिसमें Xiaomi का Mi Browser Pro भी शामिल है। Xiaomi के Mi Community पर पहले ही बैन लग चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए।